Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, we Sanu and you are watching Sanu Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है मनाली, आप लोगों को मैं लेके जाने वाली हूँ अपने साथ इस वीडियो के थ्रू। वीडियो बहुत ही फंटास्टिक किस्म की है और मनाली से जो है हमें रिक्वेस्ट आई थी कि भाई मनाली आप हमारा देखें, आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छा है मनाली, वहां पर बहुत ठंड है। तो वैसे ठंड तो आजकल हर जगह ही छाई हुई है, आप ये देख सकते हैं कि मुंह से धुएं निकल रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पर। मतलब पाकिस्तान में तो बहुत ठंड है, इंडिया के अंदर भी ऑफ कोर्स एक जैसे वेदर होता है तो वहां भी काफी ज्यादा ठंड है। तो अभी जो है मनाली ठंड के अंदर घूमने जाते हैं, ठंड के अंदर मनाली का क्या सीन होता है। मनाली इज जस्ट लाइक हमारा पाकिस्तान का मरी जैसे है, बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है। तो वैसे ही जो है मनाली भी बहुत ज्यादा ठंडा है। तो जितने लोगों ने मनाली पहले ही विजिट कर चुके हैं, मनाली के साथ भाई हार्ट एक टाइप कर दीजिएगा या लिख दीजिएगा मनाली का कोई एक्सपीरियंस, कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस अपना मनाली का जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा। तो गाइज आज की वीडियो जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फंटास्टिक है, बहुत ही मजे की है। लेकिन उससे पहले गाइज आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत बढ़िया हैं, आप लोग बहुत कमाल के हैं, बस आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, फिर ये सारे कॉम्प्लीमेंट आपके हैं। जितने लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले फटाफट से जल्दी जल्दी चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। बाकी की बात है तो साथ साथ वीडियो के लास्ट मनाली देखते होते हुए जो है हम लोग बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मनाली इंडिया का मोस्ट फेवरेट और मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन, जहां हर कोई चाहे वो फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हनीमून कपल या फिर कोई सोलो ट्रेवलर, सभी लोगों की फर्स्ट चॉइस मनाली ही है। स्पेशली न्यू मैरिड कपल्स के लिए तो मनाली ड्रीम डेस्टिनेशन है। मनाली देश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में सबसे पहला नाम आता है, क्योंकि मनाली में टूरिस्टों को सीनिक लोकेशंस, नेचुरल एनवायरनमेंट सहित वो सारी खूबियां और सुविधाएं मिल जाती हैं जो एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट में मनाली होनी चाहिए। मनाली की वाइब्स ही ऐसी है कि सभी टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन मनाली के बारे में। तो अगर आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ब्यूटीफुल वैलीज, रिवर और पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको वर्चुअल टूर के जरिए मनाली ट्रिप पर ले जाने वाले हैं और देने वाले हैं इस ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे मनाली वॉल्वो से कैसे जाएं, खुद की कार से जाएं तो कौन से नए रूट से जाएं, मनाली और इसके आसपास के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं जहां आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम क्या है मनाली घूमने के लिए, साथ ही यहां एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्टेशन से लेकर होटल्स के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप मनाली जाने की सोच रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद मनाली से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मनाली जाया कैसे जाए। मनाली जाने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ कॉमन प्लेस हैं। यहाँ से सेमी स्लीपर वॉल्वो या नॉर्मल बसें रेगुलर रूप से चलती हैं। तो अगर आप मनाली के 500-600 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है वोल्वो। मनाली के लिए हिमाचल हिमसुता की वोल्वो बसों के साथ साथ प्राइवेट लग्जरी वोल्वो बसें भी दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ से रेगुलर चलती हैं, जो शाम को 6 बजे दिल्ली से चलना शुरू हो जाती हैं और मनाली सुबह सुबह पहुँच जाती हैं। पहले जहाँ दिल्ली से मनाली की यह ओवरनाइट जर्नी 14 से 15 घंटों की होती थी, अब वही मनाली फोर लेन बनने के बाद यह टाइम घटकर केवल 10 से 11 घंटे ही रह गया है और उम्मीद है 2024 तक यह हाईवे पूरा बनने के बाद लगभग 9 घंटे में ही दिल्ली से मनाली पहुंचा जा सकेगा। रात भर की इस जर्नी में बस 2 से 3 बार खाने पीने और चाय कॉफ़ी के लिए रुकती है और सच में ये जर्नी काफ़ी खूबसूरत होती है। बात करें बस बुकिंग की तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके हैं इन बसों को बुक करने के। घर बैठे ही आप या तो ऑनलाइन किसी भी मोस्ट फेवरेट ट्रेवल ऐप या वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन टिकट आप ISBT कश्मीरी गेट, मजनू का टीला और RK आश्रम मेट्रो स्टेशन, इन प्राइवेट वोल्वो के टिकट बुकिंग काउंटर्स पर जाकर भी टिकट बुक करा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से मनाली के लिए सभी वोल्वो बसें यहीं से चलती हैं। अगर किराए की बात करें तो लगभग 1000 रुपये से लेकर 2200 रुपये के बीच में आपको एक व्यक्ति की टिकट मिल जाती है। बस यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन सी बस ले रहे हैं और साल के किस टाइम पर जा रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम पर वोल्वो का पर पर्सन का टिकट 2500 रुपये तक भी पहुँच जाता है।
लेकिन इसके अलावा जो लोग कम बजट में जाना चाहते हैं उनके लिए हिमाचल रोडवेज की साधारण बस की भी सुविधा उपलब्ध है, जिनका किराया लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए के आसपास होता है। बात करें कार या अपने पर्सनल व्हीकल से, तो दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। आप खुद अपनी कार से ड्राइव करके या फिर अगर फैमिली है तो प्राइवेट टैक्सी या टेम्पो ट्रेवलर हायर करके मनाली जा सकते हैं। अगर ट्रेन से बात करें तो मनाली में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से पठानकोट, कालका और चंडीगढ़, जिनकी मनाली से दूरी लगभग 280 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। तो ट्रेन द्वारा इन स्टेशनों पर पहुंचने के बाद बसों द्वारा मनाली पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर आप सबसे कम समय में मनाली पहुंचना चाहते हैं तो मनाली के भुंतर एयरपोर्ट तक आना होगा। यहां से मनाली 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मनाली पहुंचने के बाद होटल आप मॉल रोड के पास वॉकिंग डिस्टेंस पर ले सकते हैं, जिससे मनाली के कुछ छोटे बड़े लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स को आप वॉक करते हुए इजीली कवर कर सकते हैं। मनाली में हजारों की संख्या में हर तरह के होटल्स अवेलेबल हैं। यहां आपको डॉर्मेट्री, हॉस्टल सहित बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स और रिजोर्ट तक भी मिल जाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 1500 रुपए से शुरू होकर 10 से 12 हजार रुपए तक भी अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। तो मनाली पहुंचने के बाद फर्स्ट डे होटल में स्टे करने के कुछ समय बाद आप यहां के लोकल प्लेसेस को पैदल या वॉक करते हुए भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल व ओल्ड मनाली से। मनाली आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट हिडिंबा टेम्पल जरूर जाते हैं, क्योंकि यह जगह जितनी धार्मिक है उतनी ही खूबसूरत भी है। यह मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। इस मंदिर के आसपास देवदार और पाइन के पेड़ इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ आप 2 से 2.5 घंटे आराम से बिता सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ओल्ड मनाली कई अलग अलग कैफेज और रेस्तरां के लिए फेमस होने के अलावा शॉपिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद आप जा सकते हैं क्लब हाउस। यह जगह परिवार और बच्चों के लिए फेवरेट है, क्योंकि यहाँ खेलने के लिए झूले और मनोरंजन के लिए काफी कुछ है। साथ ही यहाँ बड़ों के लिए भी रिवर क्रॉसिंग जैसे कई अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज वाले गेम्स भी अवेलेबल हैं। तो क्लब हाउस में कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी घूम सकते हैं और उसके बाद आ सकते हैं वन विहार। यह मनाली सिटी के बीच में व्यास नदी के किनारे एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट गार्डन है। इस वन विहार के आसपास कई ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं। यह एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, जहां कुछ समय शांति और नेचर को नजदीक से फील करते हैं। यह जगह एडवेंचर लवर्स के बीच काफी फेमस है। इसके बाद आप मनु टेम्पल विजिट करके इवनिंग में आ सकते हैं मॉल रोड पर। किसी भी हिल स्टेशन का सबसे मेन पार्ट क्राउडेड और अट्रैक्शन वाला प्लेस होता है वहां का मॉल रोड। मनाली का मॉल रोड भी यहां के टूरिस्टों की पहली पसंद है। यहां पर अलग अलग तरह की दुकानें, होटल्स, फास्ट फूड आइटम्स, शॉपिंग शॉप्स, रेस्तरों और कैफेज की वजह से मॉल रोड में काफी चहल पहल और भीड़ रहती है। यहाँ मोस्टली न्यू मैरिड कपल्स काफी घूमने आते हैं। दोस्तों, पहले दिन इन सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के बाद आप नेक्स्ट डे यानी अगले दिन रख सकते हैं मनाली के 40-50 किलोमीटर की रेंज में पड़ने वाले टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए। लेकिन इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए या तो आप यहाँ के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक कर सकते हैं या बाइक और स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी कार या बाइक से भी कवर कर सकते हैं। यहाँ टैक्सी के किराया लगभग 2 से 4 हजार रुपए तक अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग और बाइक या स्कूटी का रेंट लगभग 400 रुपए से 1000 रुपए अलग अलग बाइक और सीजन के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो आइए चलिए जानते हैं इन सभी प्लेसेस के बारे में जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। तो अगला नेक्स्ट डे आप पूरा दिन सोलांग वैली और वहां पर होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज को करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा दिन ही सोलांग वैली में निकल जाता है। सोलांग वैली को स्नोफॉल के नाम से भी जानते हैं। यह मनाली बस स्टैंड से 14 किलोमीटर दूर है, जो मनाली से रोहतांग पास के रास्ते में पड़ती है। सोलांग वैली का असली मजा स्नोफॉल में ही आता है, क्योंकि सर्दियों में हर जगह बर्फ से ढकी होती है। यह कुल्लू मनाली में घूमने वालों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, जिप लाइनिंग, एटीवी राइड, स्कीइंग, रोपवे और ट्रैकिंग के लिए फेमस है। अगर आप यहां से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो बाकी के इवनिंग के टाइम में मॉल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रोहतांग पास, अगर विंटर्स में रोड ओपन मिलता है तो आपको जरूर रोहतांग पास, सिस्सू या खोक्सर तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर नेचर की ब्यूटी और बढ़ जाती है और स्नो भी काफी अधिक होती है।
यहाँ से पूरे मनाली की वैली, ग्लेशियर्स और पहाड़ों का खूबसूरत व्यू देखा जा सकता है। सोलांग वैली मनाली बस स्टैंड से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। रोहतांग पास हर साल गर्मियों में खुलता है और विंटर्स में हैवी स्नोफॉल के कारण बंद कर दिया जाता है। यहाँ जाने के लिए परमिट की भी जरूरत होती है। यहाँ आकर टूरिस्ट कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, जोर्बिंग और स्कीइंग को कर सकते हैं। और बाकी के बचे अगले या थर्ड डे में आप कवर कर सकते हैं नगर कैस्टल, मणिकरण साहिब और कसोल। नगर कैस्टल एक एसेंट शाही किला है जो लगभग 500 साल पुराना है। कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करता था यह नगर। यह जगह पत्थरों और लकड़ियों से बनाया हुआ है जिसे देखने भी ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ से भी वैली का अमेजिंग और खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। यहाँ विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। मणिकरण साहिब एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है जो एक तीर्थ स्थान भी है। मणिकरण अपने पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ साथ एक आकर्षक एडवेंचर प्लेस भी है। मनाली ट्रिप के दौरान टूरिस्ट इस जगह को भी जरूर विजिट करते हैं। इसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक और खूबसूरत और एडवेंचर एंड ट्रैकिंग लवर्स लोगों की पसंद कसोल घूमने जा सकते हैं। कसोल कुल्लू से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती वैली में स्थित एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है। कसोल अपने विदेशी टूरिस्टों यानी इजरायली टूरिस्टों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ लोकल से ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट यानी इजरायली टूरिस्ट आते हैं जिस कारण इस जगह को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यह जगह ट्रैकर्स, बैकपैकर, एडवेंचर और नेचर लवर लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन है। इतना खूबसूरत है इंडिया। इसके भी अलावा आप मनाली के और भी बहुत से लोकल प्लेसेस पर घूमने जा सकते हैं जैसे वशिष्ठ टेम्पल, नेहरू कुंड, स्थलों को देख और घूम सकते हैं। अब बात करें मनाली ट्रिप के सबसे अच्छे समय के बारे में तो मोस्टली साल भर टूरिस्ट मनाली आते रहते हैं, बट पीक सीजन की बात करें तो विंटर्स में दिसंबर टू फरवरी और समर्स में अप्रैल टू जुलाई पीक सीजन होता है। मोस्टली 20-25 दिसंबर के बाद मनाली में स्नोफॉल शुरू हो जाती है। अगर स्नोफॉल पसंद है तो आप इस दौरान आ सकते हैं। आप बात करें पूरी ट्रिप की बजट की तो यह टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से खर्च करते हैं और कैसे आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं। बट अगर एवरेज बजट की बात करें तो 2 से 3 दिनों के लिए वोल्वो से 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक एक कपल का एक्सपेंसेस आ जाता है। तो मनाली के बारे में इस जानकारी के अलावा अगर बहुत ही अच्छी वीडियो थी यार, बहुत कमाल की और इतना खूबसूरत इंडिया के अंदर प्लेस है मनाली। और कोई भी और प्लेस मुझे सजेस्ट कीजिएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर, जो इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी हो प्लेस और जिसके ऊपर जो है मैं रिएक्शन वीडियो बना सकूं, क्योंकि मैं जो हूं ना, अगर कभी इंडिया आई तो एक तो ताजमहल ठीक है वो तो मैंने लाजमी देखना है और दूसरा ये मनाली, अब हो गया मनाली भी लाजमी भाई देखना है। मनाली बहुत अच्छी जगह है, देखने के लायक एक जगह है। तो बहुत ही आज की वीडियो देखकर यार बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय मैंने किया और वीडियो के थ्रू ही इंजॉय किया। लेकिन मैं देख रही थी जैसे पाकिस्तान के अंदर मरी है ठीक है, नारायण कगान है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है, लेकिन इंडिया के अंदर मैं ये देख रही थी कि बहुत अच्छे से हर चीज को मैनेज किया हुआ है, हर चीज को बहुत अच्छे से जो है वो जिसे क्या कहते हैं कि उसको एक निजाम के अंदर रखा गया, उधर गंद वगैरह नहीं डाला गया ठीक है, साफ सुथरी जगह रखी गई है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो आप लोगों की अगर कोई भी फेवरेट प्लेस है जहां पर आप चाहते हैं कि उसको मैं देखूं और उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो में, तो अपनी फेवरेट प्लेस जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मैंशन कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।